एक ऐसी बीमारी जिसमें आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। घर से बाहर निकलते ही लोगों को सदमा लगने लगता है और घर में ही आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन बाहर जाने पर खतरा आपको नजर आता है। कौन सी है ये बीमारी? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया, जहां हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, कुछ खास केस स्टडीज और कुछ खास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, ताकि आपका कल सुनहरा हो सके। आज इसीलिए हम लेकर आए हैं एक खास बीमारी के बारे में, जिसके बारे में बात करके आपको भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों, भीड़ में थोड़ी घबराहट तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामाजिक अवसरों या सार्वजनिक स्थलों पर जाने से हमेशा बचने की कोशिश करे तो यह एग्रोफोबिया का लक्षण हो सकता है। हाल ही में शिरीष कुंद्रा की फिल्म कृति रिलीज हुई थी। फिल्म में मनोज वाजपेयी को एक मानसिक बीमारी है, जिसमें वह अपने आसपास जो कुछ भी देखता है उसे सच मान लेता है, जबकि वो असल में सिर्फ और सिर्फ एक छलावा होता है, और उसके दिमाग की उपज उसकी गर्लफ्रेंड कृति है, जो कि एग्रोफोबिया है। शायद ही आपने कभी इस बीमारी का नाम सुना होगा। दोस्तों, एग्रोफोबिया, जिसे हिंदी में जनांतक कहा जाता है, ये असल में भीड़ का डर है। इससे पीड़ित लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो बाजार में या किसी पब्लिक प्लेस पर जाएंगे तो वहां कोई ऐसा हमला हो सकता है जिसमें उनकी मौत हो सकती है। दोस्तों, कई बार सामाजिक चिंता की समस्या भी एक आधारभूत कारण हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप एग्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति सार्वजनिक या उपरिचित स्थानों से बचते हैं, विशेष तौर पर विशाल खुले खाली स्थान से, जैसे शॉपिंग मॉल या हवाई अड्डे, जहां छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती। कई मामलों में पीड़ित अपने या अपने घर तक ही सीमित रहता है, जहां उसे सुरक्षित जगह से कहीं और जगह जाने में कठिनाई का अनुभव ना हो। वहीं दोस्तों, ज्यादातर मामलों में सार्वजनिक स्थानों पर ही डर होता है। एग्रोफोबिया का सटीक कारण अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है। हालांकि कुछ चिकित्सक मान्य सिद्धांतों की पेशकश करते हैं जिन्होंने एग्रोफोबिया का इलाज किया और या करने का प्रयास किया। इस हालत में अन्य चिंता विकार एवं तनावपूर्ण वातावरण या नशे की उपस्थिति को जोड़ा गया है। नींद की गोलियों के लंबे उपयोग को एग्रोफोबिया के साथ जोड़ा गया है। जिस प्रकार एग्रोफोबिया पुरुष में आम रूप से होता है और उससे लगभग दुगने स्तर पर महिलाओं में होता है। अपोलो हॉस्पिटल और कुछ अन्य हॉस्पिटलों के द्वारा किए गए एक शोध में मालूम चला कि भारत में ये एक आम बीमारी है, जिसकी संख्या 10 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो सकती है। ये आमतौर पर 14 साल से लेकर 60 साल के लोगों के बीच में अधिक पाई है, जिसमें अति शीघ्र डॉक्टर से सलाह की आवश्यकता होती है। इसके लक्षण खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। इस बीमारी का कोई भी निदान नहीं होने की वजह से आप चाहते हैं तो डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपको फायदा ही मिलेगा, और इसके ठीक होने में 1 साल का समय भी लग सकता है या शायद जीवन भर का समय भी लग सकता है। एग्रोफोबिया बीमारी पर बॉलीवुड की फिल्में भी चर्चा करती पाई गई हैं, जैसे कि राधिका आप्टे की फोबिया मूवी और अली फैजल की हाउस अरेस्ट। ये सभी मूवियाँ बिल्कुल इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। तो दोस्तों, इन बॉलीवुड मूवीज को जरूर देखिएगा, शायद इससे आपको कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। और अगर आपके आसपास भी कोई एग्रोफोबिया का पेशेंट है तो उसे ये जरूर वीडियो दिखाइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हेल्दी इंडिया।